देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी है और इसका पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर चौक चौराहे हर नाके पर चेकिंग जारी है। इसी बीच जनपद संभल में देर रात जिले में लॉकडाउन की व्यवस्थाएं देखने एसपी यमुना प्रसाद पुलिस दस्ते के साथ निकले। एसपी ने देर रात पुलिस बल के साथ सदर कोतवाली इलाके की सड़कों पर निकलकर बेवजह घूम रहे लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इतना ही नहीं, चौराहों और हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी चेक की गई। एसपी ने हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को सावधानी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जनपद संभल में लॉकडाउन का पूर्ण अनुपालन कराया जा रहा है। लॉकडाउन फ्री में सभी लोग को आश्वस्त किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें और जितने भी लोग हैं उनको एंश्योर किया जा रहा है। इसी में हमारी पिकेट ड्यूटी, गश्त ड्यूटी और सभी लगी हुई है। हम लोग खुद गश्त करके अपने मोबाइल व्हीकल के माध्यम से और पुलिस पर्सनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा में है, उनके साथ में है। कृपया अपनी जान बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए। जितनी दुकानें हैं वो सब खुलेंगी समय से, जो हिसाब से जो निर्धारित है और सप्लाई चेन हमारी बनी हुई है, इसलिए किसी को अनावश्यक रूप से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, खाद्यान्न भी उपलब्ध हैं, सबको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। अपने घरों में रहिए, आपका जीवन महत्वपूर्ण है, उसको बचाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी ने दल बल के साथ सड़कों पर जाकर जायजा लिया है। एक तरफ तो पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों में भी नहीं जा रहे, वहीं लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संभल से न्यूज के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।